दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कल आप इन शेयर को बाय करके चल सकते हैं। एलएनटी और टीसीएस को बाय कीजिए, टारगेट रहेगा ये। और आप इन्फी को सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल करके चल सकते हैं इस वाले लेवल में, टारगेट रहेगा इतना। अब इनको बाय सेल क्यों करना है उनका एक बार चार्ट में देख लेते हैं। अगर एलएनटी को मैं चार्ट में देखूँ तो एलएनटी काफ़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज भी। अगर आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छी मूव आई है। इसमें मॉर्निंग में अच्छी खासी मूव थी और शाम को जब रिकवरी मार्केट ने करी तो काफ़ी अच्छी मूव आई है इसमें। और ये जो शेयर है 1 वीक के चार्ट में देख सकते हैं कि 1 वीक के चार्ट में एक फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें एक हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है रैली कंटिन्यू करेगा। 1295 जब जैसे ही ब्रेक होगा शेयर का तो ये ईजिली 1304 चले जाएगा। इस साथ में आप टीसीएस को देख लेते हैं। टीसीएस दोस्तों, टीसीएस की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको पता है डॉलर का प्राइस काफ़ी हाई है। और अगर मैं बात करूँ टीसीएस की, तो देख सकते हैं कि दोस्तों टीसीएस ने काफ़ी अच्छी मूव दे दी है इस सप्ताह में। और अगर आप उसको आज देखेंगे 1 आवर के चार्ट में, तो काफ़ी अच्छी मूव आई है। और मुझे लगता है डेफिनेटली कल भी ये मूव कंटिन्यू होगी, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं और इजिली टारगेट अचीव हो जाएगा आपका। और इनफी हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप सेल करके चलिए अगर मार्केट डाउन रहती है। ये दोनों स्टॉक आज दोनों स्टॉक नेगेटिव रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट 2% टूटा हुआ है, ठीक है। दोस्तों देखिए, दोस्तों अगर मैं इसको 15 के चार्ट में देखूं तो साफ दिखेगा कि ये शेयर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और ये जो रैली है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये जो शेयर है आपका 1722 में सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की मूव कर सकता है। लेकिन 1722 तो शेयर पक्का आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप 1718 में आप सेल करके चलिए और 1711 का टारगेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके कल के लिए इंटरडे स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कल हमने चार स्टॉक्स दिए थे इंटरडे स्टॉक्स में, जिसमें से जो स्टॉक्स थे, आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स थे। इनका भी एक बार परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देखिए कि मैंने कल आपको जिल दिया था, टाटा मोटर दिया था, एसबीआई दिया था, एचडीएफसी दिया था। तो दोस्तों आपको जिल और टाटा मोटर्स को बाय करके चलना था और एसबीआई एचडीएफसी को सेल करके चलना था। अगर आप हमारे चार्ट में देखेंगे तो जिलो टाटा मोटर्स का जो बाय लेवल था वो नहीं आ पाया, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सेल साइड पे देखेंगे एचडीएफसी, तो दोस्तों कल मतलब आज एचडीएफसी का हमारा सेल प्राइस आया था 1841 में और टारगेट इजिली अचीव हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर एचडीएफसी, तो दोस्तों अब इनमें ट्रेड कैसे लेना है, जो भी हम ट्रेड देते हैं आपको बताया कि अगर आपको इन पर ट्रेड लेना है तो आप इसमें 5 मिनट के कैंडल में 5 मिनट के कैंडल में क्लोज होने का वेट कीजिए, फिर ट्रेड लीजिए। तो देखिए जैसे ही इसने 5 मिनट के कैंडल में हमारे प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे दी, 1841 में सेल करना था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों देख सकते हैं ये रहा 1841, और ये रहा दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे इसने इसने क्लोजिंग दे दी 1841 के नीचे, तो दोस्तों देखिए हमारा टारगेट अगले ही कैंडल में अचीव हो गया इसी कैंडल में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसमें एक बार ऑब्जर्व कीजिए, रिव्यू कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।